हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जो बेसिक, जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स इन बिजो बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बिजो बेसिक में, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट, इससे पहले जो है वो हमने बिजो बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में कस्टमाइज ए फॉर्म, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। ठीक है, कि फॉर्म को कैसे कस्टमाइज करते हैं, उसके क्या मेथड्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसकी विंडोज प्रॉपर्टी हैं, ये हमने कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। दोस्तों, इसी के स्पेस में रिलेशनल ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक को हम क्या क्या होते हैं और उसको हम जो है एक कोडिंग और एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन इन द कोड। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन या कोड हम जो है अपने प्रोग्राम में देते हैं। यानी कि बेसिकली दीज ऑपरेटर्स आर यूज फॉर ऑनली टू कंपेयर टू गिवन वैल्यूज बाय द यूजर। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से रिलेशन ऑपरेटर्स हैं हमारे, जो मतलब जिनमें जिसको बिजो बेसिक फॉलो करता है। तो पहला है हमारा नॉट इक्वल टू, इसका ये साइन है, ये जो साइन है स्टूडेंट इसका, ये जो साइन है इसका नॉट इक्वल टू का है। लेस देन आपका हो गया, दूसरा है आपका लेस देन और इक्वल टू, चौथा हो गया ग्रेटर देन, और पांचवा हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो स्टूडेंट, ये हमारे पांच प्रकार के रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं बिजो बेसिक में, जिसको स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स इसको जो है हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब जो है कैसे हमारे यूज होंगे बिजो बेसिक में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसके लिए हमने क्या किया, स्टूडेंट जब भी कभी हम बिजो बेसिक एनवायरमेंट इंटरफेस को हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो है हमें फॉर्म हमें जो शो होता है, और हमारे जो है लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स होता है और राइट हैंड साइड में हमें जो भी कंट्रोलर उसकी प्रॉपर्टी शो होती है जब हम फॉर्म में क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने पहले विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट हमने ओपन किया, और एनवायरनमेंट को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है थ्री लेवल्स लिए, लेवल लिए और इनके लेवल के कैप्शन में जाके जो है इन पे क्लिक करके ये जो हमने लेवल कहाँ से लिए, टूल बॉक्स से लिए, और टूल बॉक्स से जब हमने फॉर्म पे, ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म पे हमने ये ड्रैग कर लिए तीन लेवल, जिसमें इनके कैप्शन में जाके हमने पहले का नाम हमने पहले में जाके लिख दिया एंटर द एज ऑफ राहुल, एंटर द एज ऑफ सोनू सेकंड लेवल है हमारा, और तीसरा लेवल है रिजल्ट इज। ठीक है, इनके कैप्शन में के तीनों के कैप्शन में जाके हमने ये चीजें नोट कर दी। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने ये तीन टेक्स्ट बॉक्स लिए, टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू टेक्स्ट थ्री, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारा टेक्स्ट वन है, ये हमारा टेक्स्ट टू है, ये हमारा टेक्स्ट थ्री है, ये लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री। बाय डिफॉल्ट ये जब भी कभी हम कंट्रोल्स जो हम फॉर्म पे लेते हैं तो वो उनको जो है सिक्वेंस में उनकी नंबरिंग करता हुआ चला जाता है बिल्कुल बेसिक में, जब भी कभी हम लेते हैं। ठीक है, वन टू थ्री एंड सो ऑन। ये हमने फिर एक कमांड बटन लिया जिसमें हम कोडिंग करेंगे, और उसके द्वारा स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मान लो दो कैंडिडेट हमने जो है हमने दो कैंडिडेट की एज हम एंटर कराएंगे और हम उनकी एज में आपस में कंपेयर करेंगे कि किसकी एज ज्यादा है किसकी एज हमारी कम है। तो यहाँ पे हमने जो है दो कैंडिडेट हमने लिए हैं, एक का नाम है राहुल एक का नाम है सोनू, तो पहले हमने लिख दिया राहुल एंटर द एज ऑफ राहुल और एंटर द एज ऑफ सोनू रिजल्ट इज और कमांड बटन। तो कमांड बटन पे हम कोडिंग करेंगे, ये हमने सारी इंटरफेस हमने जो भी कंट्रोल्स ले लिए, उसके बाद हमने क्या किया कमांड बटन है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, और डबल क्लिक करने के बाद हमारी जो है कोडिंग विंडो हमारी ओपन होगी, ये हमारी इंटरफेस विंडो होगी जहाँ पे हम इंटरफेस लेते हैं सारे कंट्रोल्स लेते हैं। तो उसके बाद जब हम क्लिक करते हैं कमांड बटन पे तो हमारी जो है कोडिंग विंडो खुल के आती है। तो उसमें स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने dim n1 comma n2 हमने ये जो है n1 और n2 दो हमने वेरिएबल ले लिए डेटा टाइप, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए dim n1 comma n2। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने जो है प्राइवेट सब कमांड बटन जब क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई क्या नाम है हम कमांड बटन पर कोडिंग कर रहे हैं तो यही क्लिक किया आएगा। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या किया n1 और n2 ये जो हमने दो वेरिएबल लिए ये हमने लिए किसके लिए, ये हमने लिए टेक्स्ट वन के लिए और टेक्स्ट टू के लिए, बिकॉज हम इसमें ही जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम इसमें ही वैल्यू को एंटर कराएंगे। मान लो राहुल की वैल्यू हमने जो है राहुल की एज मान लो हमें डाल दी 24, तो यहाँ हमने डाल दी 22, तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि राहुल एज इज एल्डर देन सोनू।
तो ये कैसे होगा, हम पहले क्या करेंगे यानी कि वैल्यू हम डालेंगे टेक्स्ट 1 में, तो यानी n1 में, जब n1 मतलब हो गया टेक्स्ट 1, यानी कि टेक्स्ट 1 में हम जब डालेंगे वैल्यू, तो val ये val करके text1.text और n2 val bracket text2.text bracket close। अब देखो हमने यहां पे if का हमने यूज किया n1 और n2, यानी कि हमने जो है यहां पे ग्रेटर वाला हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, n1 और n2 यानी कि इनमें जब हम वैल्यू डालेंगे text1 और text2 में, तो ये क्या करेंगे आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कि n1 अगर n1 की वैल्यू n2 से ज्यादा है देन text3.text राहुल एज एल्डर देन शो, यानी text3 में क्या शो हो जाए, यानी text3 में जो है वो हमारा शो हो कि भाई क्या नाम है राहुल की जो एज है वो क्या है ज्यादा है सोनू से, तो ये हमारा डिस्प्ले होगा text3 में जो कि हमारा ये है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम n2 n1 करते हैं, यानी अगर यहां अगर हम मान लो अगर डाल देते हैं 24 और यहां हम मान लो डाल देते हैं 22, तो जो है अब क्या हो गया हमारा जो है सोनू बड़ा हो गया, तो text3 में text3.text में क्या होगा, इस पर इफ करें इफ n2 greater than n1, यहां था n1 greater than n2, यहां n2 greater than n1, then text3.text is equal to sonu age is elder than rahul, and if or and so, ठीक है। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो रन करने के बाद जैसे मैंने बताया वैल्यू डालेंगे, अगर आप राहुल की एज ज्यादा डालेंगे तो मैसेज आपका text3 में शो होगा राहुल इज एल्डर देन सोनू, जैसा कि हमने लिखा है, और अगर आप सोनू की एज ज्यादा डालेंगे तो आपका शो होगा सोनू एज इज एल्डर देन राहुल, ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट आज हमने बहुत ही एक इजी एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट आपको मैंने आज समझाने की कोशिश की भाई रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं और कौन कौन से होते हैं, और ये हमारे कैसे वर्क करते हैं विजुअल बेसिक में, आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, ब्राइटनेस स्टूडेंट इतनी रखें जिससे आपकी आगे खराब ना हो। दूसरा क्या है, अपना जो व्यू है मोबाइल का व्यू उसको लैंडस्केप करें। तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p 480p सेलेक्ट करें, जिससे बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और जिससे आप देख के इसके नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को स्टूडेंट्स कंप्लीट करें। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि व्हाट द रिलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक। तो आज हमने रिलेशन ऑपरेटर हमने आज कंप्लीट किया और फिर इसके बाद जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके लिए विजुअल बेसिक 3 से 4 सेमेस्टर में लेके आएंगे आगे क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।